Hey guys, welcome back to English Ki Paathshala by Titanium English Classes Udaipur. You're watching my YouTube channel. My name is Mukesh Janwa और इस channel पर मैं English से related कुछ ऐसे content upload करता हूँ. आजकल तो खास करके students की demand पर मैं कुछ topics बना रहा हूँ. आज का topic है How have you been? ये question frequently मुझे बार-बार पूछा गया है कि sir How have you been? How are you? इन दोनों में difference क्या होता है? So, इस वीडियो को लास्ट तक देखें बट सबसे पहले आप में से यदि किसी ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. नाउ लेट्स स्टार्ट. आप सभी जानते हैं हाउ आर यू मींस आप कैसे हैं. जब हम किसी व्यक्ति से रोजाना लाइफ में डेली रूटीन लाइफ में रोज मिलते हैं तो हम उससे हालचाल पूछते हैं कि हाउ आर यू. लेकिन हाउ हैव यू बीन अक्सर वहां यूज करते हैं यदि किसी से मिले हुए काफी लंबा समय हो गया है, महीनों हो गए या सालों गुजर गए हैं और उससे यदि अचानक कहीं मुलाकात होती है तो वहां हाउ आर यू भी पूछ सकते हैं. लेकिन उससे ज्यादा उपयुक्त वहां पे ग्रीटिंग है हाउ हैव यू बीन. इसका मतलब आप उससे ये पूछना चाह रहे हो कि लास्ट टाइम साल भर पहले जब हम मिले थे तब से लेके अब तक आप कैसे रहे हो, आपका हालचाल कैसा है और आप कैसे हो. तो उसके शॉर्टकट आंसर भी दे सकते हो, लॉन्ग कट आंसर भी दे सकते हो. सबसे पहले तो यदि आप किसी व्यक्ति से काफी समय बाद मिल रहे हो तो आप उनसे पूछे हाउ हैव यू बीन, उसका जो मीनिंग यही निकल रहा है आप कैसे हो या अब तक आप कैसे रहे हो. तो उसका आंसर आप दे सकते हो शॉर्ट में ओके गुड लवली ऐसे. यदि लॉन्ग आंसर देना है आपको तो कुछ ऐसे कह सकते हो ओ आई बीन वेरी बिजी, बहुत बिजी रहा हूं. तो ये तरीका है. सबसे पहले आप, मैं उम्मीद करता हूं डिफरेंस क्लियर हुआ होगा हाउ आर यू एंड हाउ हैव यू बीन. रोजमर्रा की लाइफ में यदि आप मिल रहे हो तो आप अपने फ्रेंड से, जो भी आपके कॉलिग से, हमसे पूछें हे ड्यूड हाउ आर यू. लेकिन यदि किसी से काफी समय के बाद मुलाकात हो रही है तो हाउ आर यू की जगह यदि आप हाउ हैव यू बीन यूज करोगे तो वो ज्यादा उपयुक्त होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर कर चुका होगा आपका. अब आपका इंतजार है कि आप फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में रखें और कुछ ऐसे यदि आपको कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान नए वीडियोस बना के कर सकें. और नए वीडियोस के साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि स्टे ट्यून्ड एंड इन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी करें. लगातार आपके कमेंट्स और शेयर की वजह से ही हम लोगों को एक हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है. हमारी इच्छा है कि पूरे हिंदुस्तान के और दूसरे कंट्रीज के अंदर भी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम को फेस करते हैं उन तक पहुंचना, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को सुनना और जितना ज्ञान हम दे सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से उन तक पहुंचाना. आज के लिए इतने काफी. कीप वॉचिंग, सी विद न्यू कॉन्टेंट एंड न्यू एक्सप्रेशन. टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला. थैंक यू.